हेलो ऑल ऑफ यू। तो आज मैंने सोचा कि चलो आपके साथ क्रिकेट खेला जाए, है ना। बहुत दिन से क्रिकेट नहीं खेला है, मैंने भी नहीं खेला, आपने भी नहीं खेला होगा। तो ये एक पेंटिंग बना देती है मेरी बेटी, जो भी उसको दिखता है उस पर पे पेंटिंग कर देती है। तो ये पेंटिंग वाला बैट है, तो चलो भाई क्रिकेट खेलें आज अपन। आप बॉलिंग करें, मैं बैटिंग करता हूँ। थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अपन क्रिकेट। बहुत समय से अपन ने, आपने भी नहीं खेला, मैंने भी नहीं खेला है। तो करें स्टार्ट। चलो करो, बॉल ऑल करो जरा यार, मैं बैटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। करो बॉलिंग। अरे डालो भाई बॉल। अच्छा क्रिकेट से मुझे याद आया कि भाई आपने बहुत सारे मैचेस देखने का आपको शौक भी होगा। इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पाकिस्तान, है ना। तो ऐसे कई सारे मैचेस आपने देखे होंगे। तो एक एक वर्ड जो है वो बार बार आता है, जैसे जब भी कोई दो बैट्समैन के बीच में बड़ा ही एक जो है क्या बोलते हैं, एक साझेदारी होती है ना, एक बैट्स के बीच में क्या होती है, साझेदारी होती है। तो उस साझेदारी में क्या होता है, एक लंबी साझेदारी होती है और उनके बीच में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाता है ना। आपने देखा ना, कोऑर्डिनेशन बनता है। एक बैट्समैन दूसरे बैट्समैन को बुला रहा है, एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं, इशारे समझ में आने लगते हैं, है ना। एक रन लिया, दो रन लिए, फटाफट बुलाया, दौड़े भागे। तो ये क्या है, एक कोऑर्डिनेशन बनने लगता है ना। तो क्रिकेट में एक कोऑर्डिनेशन वर्ड का जरा बार बार इस्तेमाल होता है, क्लियर। तो ये कोऑर्डिनेशन वर्ड है क्या, ये वहां पर यूज क्यों हो रहा है, ये हम आज समझेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन वर्ड है क्या, है ना। आप बोलेंगे सर आपने तो हमको क्रिकेट खेलने बुलाया था, तो क्रिकेट खेलने बुलाया और आप बोल रहे हो कोऑर्डिनेशन, करेक्ट। ये कोऑर्डिनेशन समझना है, इसलिए क्रिकेट का अपन ने यूज किया। तो अब ये जो कोऑर्डिनेशन वर्ड है, मैं पहले ये बैट थोड़ा रख देता हूँ, फिर अपन बात करते हैं, है ना। आता हूँ मैं बैट रख के। हाँ हेलो। तो बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन है क्या, ये पहले समझेंगे अपन, अपने वही बल्लेबाजी वाले तरीके से कोऑर्डिनेशन को समझते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में देखिए क्या होता है कि दो बैट्समैन जब एक पारी खेलते हैं तो आपस में उनमें एक एक ट्यूनिंग बन जाती है, आपस में उन दोनों बैट्समैन में एक ट्यूनिंग बन जाती है और एक बहुत अच्छा तालमेल उनमें हो जाता है। और वो तालमेल जो होता है उसका नतीजा ये होता है कि वो एक अच्छा स्कोर बना पाते हैं और या फिर अच्छे अच्छे रन रन रेट से जीत पाते हैं, है ना। तो ये जो है सिमिलरली अगर हम देखें उसको समझें, तो उनका अपना अपना एक इंडिविजुअल खेल है, उनका अपना अपना एक इंडिविजुअल गोल है, ठीक है। और इंडिविजुअल उनका एक अपना इंडिविजुअल, जैसे मान के चलिए धोनी का एक अपना इंडिविजुअल खेल है, सिमिलरली कोहली का अपना एक इंडिविजुअल खेल है, रैना का अपना एक इंडिविजुअल खेल है कि वो एक तरह से खेलते हैं। पर सिमिलरली जब दो बैट्समैन आपस में अच्छा खेलते हुए, दो बैट्समैन आपस में अच्छा खेलते हुए जब वो आपस में सामंजस्य कर लेते हैं, जब वो आपस में बेहतर अपनी ट्यूनिंग मैच कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन है। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, करेक्ट। सिमिलरली हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, हमारा परचेज डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ, हमारा स्टोर डिपार्टमेंट भी अच्छा है, सेल डिपार्टमेंट तो बहुत बढ़िया है। ये चारों डिपार्टमेंट इंडिविजुअली अपने आप में अलग अलग बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, करेक्ट। पर ऑर्गेनाइजेशनल का गोल तभी अचीव होगा जब ये जो सारे के सारे डिपार्टमेंट हैं इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। समझ में आ रहा है कि भाई ये जो गोल है ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये कब अचीव होगा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल मैक्सिमम प्रॉफिट, सारे डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मगर यदि इनमें अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं। सारे बैट्समैन इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं, इंडिविजुअली अच्छे हैं, खुद अपने लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं, करेक्ट। खुद अपनी चिंता कर रहे हैं, सामने वाले की चिंता नहीं कर रहे हैं, तो टीम फिर जीतने वाली नहीं है। क्लियर हुआ, समझ में आया कि भाई आपकी सेंचुरी होने वाली है इसलिए आप स्लो खेल रहे हो, मगर मैच जीतने के लिए फास्ट खेलना जरूरी है। तो क्या आप बताइए, यदि आप इंडिविजुअल, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन किस चीज का है? तो कोऑर्डिनेशन है इंडिविजुअल गोल के साथ ग्रुप गोल को कोऑर्डिनेट करना, एम्प्लॉय के गोल के साथ
जो है ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को कोऑर्डिनेट करना, ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन है। इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन, एक वर्ड आता है सिंक्रोनाइज, है ना। जनरली क्या होता है कि कई बार हम अपने कंप्यूटर में या हमने मोबाइल में फाइल को सिंक्रोनाइज कर दें। सिंक्रोनाइज मतलब उसको सिक्वेंसली, एक सिक्वेंस देना, एक ऑर्डर देना, सेटअप करना, ताकि कोई भी फाइल आसानी से रिट्राइव हो सके, मिल सके। क्लियर। तो इसको हम बोलेंगे सिंक्रोनाइजेशन। अब यही सिंक्रोनाइजेशन कोऑर्डिनेशन है एक्चुअल में, कि भाई जब क्या होता है कि एक कोई काम है वो बिल्कुल फ्लो में हो रहा है, एक कोई काम है वो बिल्कुल फ्लो में हो रहा है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को, जैसे मान के चलिए कि सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने परचेस डिपार्टमेंट से कहा कि हमें गुड्स चाहिए, पर्टिकुलर गुड्स हमें इतने क्वांटिटी में चाहिए। फिर परचेस डिपार्टमेंट ने परचेस किया, स्टोर में रखा, स्टोर डिपार्टमेंट ने उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने फिनिश गुड्स बनाए, उसको वेयरहाउस डिपार्टमेंट के पास भेजा, वेयरहाउस डिपार्टमेंट ने सेल डिपार्टमेंट के पास भेजा, सेल डिपार्टमेंट ने उसको क्या किया, बेचा। तो ये एक्चुअल में क्या है, दैट इज कॉल्ड, ये जो है, ये जो तरीका है आपका, ये तरीका कहलाया कि भाई कोऑर्डिनेट करते, एक डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करते हुए काम को पूरा किया। क्लियर। इसको हमने क्या कहा, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, कि भाई काम पूरा सिंक्रोनाइज था, एक ऑर्डर में था, एक स्मूथ फ्लो के द्वारा ये काम हुआ। करेक्ट। तो दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। मतलब एक और मीनिंग हम निकाल सकते हैं, एक और मीनिंग ये हो सकता है कि सारी एक्टिविटी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं, भले ही प्रोडक्शन एक्टिविटी हो, परचेस एक्टिविटी हो, स्टोर एक्टिविटी हो, सेल एक्टिविटी हो, फाइनेंस एक्टिविटी हो, सारी एक्टिविटीज को एक साथ लेकर आना, सारे रिसोर्सेस को एक साथ लेकर आना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल फटाफट पूरा हो सके। क्लियर हुआ। तो याद रखिए, यहां पर हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं एक्टिविटीज का और रिसोर्सेस का, ठीक है, ताकि बहुत बेहतर तरीके से हम क्या कर सकें, जो है अपने गोल को अचीव कर सके। समझ में आया। तो कोऑर्डिनेशन, वैसे तो अभी मैंने एक जनरल बात की, कोई भी स्पेसिफिक बात आपसे नहीं की है कि कोऑर्डिनेशन क्या, एक जनरल बात कर रहे हैं हम। कोऑर्डिनेशन ऐसे कई बार क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ, आपने इसका तो जरूर एक्सपीरियंस किया होगा जो मैं अगली बात आपको बताने वाला हूँ, है ना। कोई दो स्टूडेंट एग्जाम में बैठे हुए हैं, पीछे आगे आजू बाजू बैठे रहते हैं, और जैसे ही टीचर ऐसे टहलते रहते हैं, है ना, आपने देखा होगा, तो जैसे ही वो उनके आगे निकलते बच्चों के, तो बच्चे एक दूसरे को, कई बार ऐसा होता है कि दोनों बच्चों के बीच में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है कि वो अपने सारे क्वेश्चन शेयर कर लेते हैं बिना किसी को पता किए, आंखों ही आंखों में कई बार इशारा हो गया, है ना, तो बहुत करते हो, हाँ मुझे पता है। तो ये क्या है, ये उन दोनों के बीच का एक कोऑर्डिनेशन बन गया, ठीक है। मतलब कि भाई इंडिविजुअल, अब इसके दो मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं। पहला मीनिंग ये है कि इंडिविजुअल गोल, इंडिविजुअल की हर एक की अपनी अपनी विशेषता है, और अब वो क्या है, टुगेदर आके, साथ में आके उस काम को कर रहे हैं, तो ये इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन वो काम उनसे करा रहा है, पहली चीज। दूसरी कि भाई सारे इंडिविजुअल, सारी ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से सारे वर्किंग लोग, सारे डिपार्टमेंट साथ में आएंगे, अपने रिसोर्स जो है साथ में लेके आएंगे और काम करेंगे। साथ में लेके आने का मतलब है, साथ में ऐसा नहीं कि सब अपने अपने गुड्स लेके या अपने अपनी मशीनें लेके आ जाएंगे, नहीं, वो एक दूसरे के काम में हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे। क्लियर हुआ। एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे कि भाई प्रोडक्शन वाला परचेस से बोलेगा, परचेस वाला स्टोर से बोलेगा, स्टोर वाला प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वेयरहाउसिंग, सेल, तो ये पूरा एक सीक्वेंस चलेगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह से काम को सिंक्रोनाइज करना, एक ऑर्डर फॉर्म देना, एक ऑर्डरलीनेस देना, ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। क्लियर। देखिए, कोऑर्डिनेशन कैन बी डिफाइंड एज अ सिंक्रोनाइजेशन, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट, एफर्ट को सिंक्रोनाइज करना। कोऑर्डिनेशन क्या है, एफर्ट को सिंक्रोनाइज करना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एफर्ट, फिर सेल डिपार्टमेंट का, वेयरहाउसिंग डिपार्टमेंट का, ऐसे उनको सिंक्रोनाइज, ऑर्डरली फॉर्म में
उनको अरेंज करना, सिंक्रोनाइज करना, करेक्ट, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट. स्टैंड पॉइंट मतलब एक के बाद एक के बाद एक स्टैंड पॉइंट्स ऑफ टाइम एंड दिस सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, ताकि हम इस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस हमने बनाया है उसको, उससे काम को एग्जीक्यूट कर सकें और काम में कोई दुविधा कोई बाधा ना आए. क्लियर? तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन. तो डेफिनेशन क्या बन गई, एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन रिफर टू द सिंक्रोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन रिफर टू द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट. एफर्ट को सिंक्रोनाइज करना नंबर वन. और क्यों क्यों करना, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट क्यों, बिकॉज टू सिक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, सिक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए. अब देखिए, इसके अलावा जनरल फॉर्म में कोऑर्डिनेशन मतलब ब्रिंग टुगेदर एक्टिविटी एंड रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हारमोनी इन देम. तो सारे के सारे रिसोर्सेस को और सारी की सारी एक्टिविटीज को एक साथ लेकर आना, ठीक है, ताकि उनमें हारमोनी आ सके. कोऑर्डिनेशन इज एन बेस और प्राइमरी फंक्शन. ये एक बेस या प्राइमरी फंक्शन है फॉर एवरी मैनेजर के लिए, बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इंडिपेंडेंटली वर्किंग कर रहे हैं अपनी अपनी, और दे नीड टू रिलेट और इंटीग्रेट देयर एक्टिविटी, क्योंकि हमें ज़रूरत है कि हम उनके कामों को क्या करें, इंटीग्रेट करें, हम उनके कामों को क्या करें, इंटीग्रेट करें. क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है. अब कोऑर्डिनेशन को बोला जाता है एसेंस. कोऑर्डिनेशन इज आल्सो कॉल्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. पहले ये क्लियर हुआ कोऑर्डिनेशन होता क्या है. कई बार हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस चीज को देखते हैं, कई ग्रुप के बीच में कोऑर्डिनेशन बनता है, यानी इंडिविजुअल व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, इंडिविजुअल बैट्समैन अपनी अपनी बैटिंग कर रहा है, मगर उन दोनों के बीच में एक ऐसी ट्यूनिंग बन गई जो हमें हमारे गोल को अचीव करने में मतलब वो दोनों को हम इंडिविजुअल को एक साथ लेकर आए, है ना, उनके बीच में हारमोनी हुई और इससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल, टीम का गोल अचीव हुआ. इसी को हम बोल रहे हैं क्या, कोऑर्डिनेशन. क्लियर? तो याद रखिए, रिसोर्सेस को इंटीग्रेट करना, रिसोर्सेस को और एक्टिविटी को इंटीग्रेट करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है, ठीक है. उसको सिंक्रोनाइज करना, उसको एक साथ लेकर आना, उसको इंटीग्रेट करना, सब एक ही बात है. सिंक्रोनाइज करना है ना, एक्टिविटी और रिसोर्स को एक साथ लेके आना, या एक्टिविटी और रिसोर्स को इंटीग्रेट करना, जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं उनको इंटीग्रेट करना, दैट इज ऑल द सेम थिंग्स. क्लियर हुआ, समझ में आया. तो कोऑर्डिनेशन क्लियर हुआ, देखिए मीनिंग क्लियर होना चाहिए पहले. यदि मीनिंग क्लियर है ना, तो फिर इसके जो दूसरी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंस, फीचर, उनमें दिक्कत नहीं आती. तो मैं समझता हूँ कि आपको मीनिंग क्लियर है ना. आपने भी अपने फ्रेंड के साथ नकल अकल करी होगी, तो बहुत कोऑर्डिनेशन आपका बहुत अच्छा होगा, है ना. हाँ, तो आप सब समझते हैं, एक्सपीरियंस में है आपके कोऑर्डिनेशन, तो ठीक है ना. आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, उससे कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है ना. मैं देखता हूँ कि जब कोई क्लास में कुछ शरारत करता है, तो बाकी स्टूडेंट जो हैं उसके दोस्त लोगों से पूछता हूँ, भाई किसने किसने शरारत की है, तो चुपचाप बैठे हैं, है ना, उसका नाम ही नहीं ले रहे. दोस्ती है क्या, कोऑर्डिनेशन है, पावा, है ना. तो चलो आगे बढ़ते हैं. तो कई बार एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का एसेंस क्या है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, करेक्ट. कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस. एसेंस का मतलब है कि उसका कोर, मैनेजमेंट का कोर क्या है. जो आप POSDC कर रहे हैं, POSDC करने का आपका एक्चुअल में मकसद क्या है और क्या होना चाहिए, तो उससे कोऑर्डिनेशन आना चाहिए. समझ में आए, आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, जो भी कर रहे हैं आप, उसका एसेंस ये होना चाहिए कि उससे सभी डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन आना चाहिए. समझ में आया. यदि कोऑर्डिनेशन आ रहा है, हम बोलेंगे कि आपका मैनेजमेंट सक्सेसफुल है, और यदि कोऑर्डिनेशन नहीं आ रहा है, तो आपका मैनेजमेंट फेलियर है. क्लियर हुआ. कोऑर्डिनेशन ये बताता है कि मैनेजमेंट कैसा है. जैसे आपने, मैंने बताया ना कि किसी प्रोग्राम में जाते हैं आप, स्कूल फंक्शन है, एनुअल फंक्शन आपका,
एक के बाद एक धनाधन प्रोग्राम होते चले जा रहे हैं, बिल्कुल फ्लो में काम हो रहा है। अब क्या मैनेजमेंट है, क्या कोऑर्डिनेशन है एंकर्स के बीच में, पीछे जो एक्टर्स हैं उनके बीच में, पीछे जो कर रहे हैं काम कर रहे हैं उनके बीच में, जो बच्चों को भेज रहे हैं और बच्चों के बीच में, दैट इज़ वंडरफुल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अमंग द टीम, टीम के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। वहीं उसको मैनेजमेंट भी, मतलब कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस है, क्लियर। अब ये एसेंस क्यों कहा जाता है, उसके भी कुछ रीजन यहाँ पर दिए गए हैं, तो देखिए एक बार पढ़ते हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है कि विच इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट या विच कंसेप्ट, स्पेशली कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का कंसेप्ट कहा जाता है, तो कई बार केस में जब कंसेप्ट पूछा जाता है तो कंसेप्ट इज द कोऑर्डिनेशन, तो ये एक प्रकार का क्या है, कंसेप्ट है, दैट इज कंसेप्ट। तो कोऑर्डिनेशन ब्रिंग यूनिटी, क्या लेके आता है, यूनिटी लेके आता है ऑफ द एक्शन, दैट इज इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट करता है, एंड कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये क्या एसेंस ऑफ मैनेजमेंट लेकर आता है, एंड द फॉलोइंग रीजन, और इसके कई सारे रीजन है कि भाई क्यों इसको एसेंस कहा जाता है। तो देखिए पहला है, ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पर ये अप्लाई होता है, ऑल फंक्शन, याद है अभी पिछले हमने लेक्चर में फंक्शन पढ़े थे, फंक्शन याद आ रहा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, पीओएसडीसी में आप अप्लाई करते हो कोऑर्डिनेशन का, मतलब प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग करोगे उसमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, डायरेक्टिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है, स्टाफिंग में और कंट्रोलिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब पॉइंट हम लिखेंगे, इसमें हमें 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ये जब लिखेंगे हम तो इसमें हमें 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, एक प्लानिंग के बारे में, करेक्ट, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, स्टाफिंग के बारे में, डायरेक्टिंग के बारे में और कंट्रोलिंग के बारे में। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपने पहली लाइन फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं, पहली लाइन हमने प्लानिंग के बारे में लिखी है, फर्स्ट लाइन प्लानिंग, सेकंड वाली लाइन देखी तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, थर्ड लाइन देखें तो रिक्रूटमेंट सिलेक्टेड, ये सब रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ये सब स्टाफिंग के इंडिकेशन है, फोर्थ नंबर हमने डायरेक्शन के बारे में लिखी है, और फिफ्थ नंबर हमने कंट्रोलिंग के बारे में लिखी। इस तरह से ये 5 जो फंक्शन है उनके लिए किस तरह से जो है जरूरी है कोऑर्डिनेशन, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, क्लियर। तो ये 5 पॉइंट। अब देखिए सबसे पहले प्लानिंग में कैसे जरूरी होता है कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग किसका काम है, कौन सा लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, कौन प्लानिंग करेगा, कौन प्लान पॉलिसी बनाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान एंड पॉलिसी बनाता है सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब ये प्लान एंड पॉलिसी बना के वो खुद रखता है कि किसी से, वो कोऑर्डिनेट करता है इसको, यस, कोऑर्डिनेट, सबसे पहले तो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, दे कोऑर्डिनेट द देयर व्यूज एंड मेक द पॉलिसीज, क्लियर। सबसे पहले देखिए द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगन एट अ प्लानिंग स्टेज वेयर द टॉप मैनेजमेंट प्लान द होल ऑर्गेनाइजेशन, टॉप मैनेजमेंट प्लान करता है होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो यहाँ पर आएगा। सेकंड नंबर पे आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो प्लान बनते हैं जो कोऑर्डिनेट हो रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखते हुए बनते हैं। अब आपको पता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब कि भाई आपके पास जो स्ट्रक्चर है, जो रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो फिजिकल रिसोर्स हैं, वो कितने हैं उसको देखते हुए प्लान बनेगा, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, तो बेस्ड ऑन द प्लान ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप। फिर स्टाफ में रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के मुताबिक ही हम लोगों को रिक्रूट, सेलेक्ट और ट्रेंड करते हैं, अपॉइंट करते हैं। फिर कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, इट इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डायरेक्शन, कि भाई प्लान के मुताबिक सब कुछ सही हो रहा है या नहीं हो रहा, एक सही एग्जीक्यूशन हम करते हैं। और लास्ट में कंट्रोलिंग इंश्योर
नो डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन प्लांट एंड एक्चुअल. तो कोई प्लान और एक्चुअल में कोई डेविएशन तो नहीं आ रहा. याद है हमने इसका मीनिंग पढ़ा था अपने कंट्रोलिंग का, तो उसमें हमने देखा था ना एक्चुअल और प्लान ये दोनों क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं. तो कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा, वो अपन ने यहाँ पे देखा था. क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे ये अप्लाई होता है. फिर अब क्यों क्या पढ़ रहे हैं ये, है ना, पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि सर पढ़ क्या रहे हैं. तो बेटा पढ़ रहे हैं अपन दैट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों है, कोऑर्डिनेशन, बाय द कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो पहला हमने देखा कि ये एसेंस इसलिए है क्योंकि ये सारे फंक्शन पर अप्लाई होता है. क्लियर? अब आते हैं कि भाई सेकंड नंबर पे सबसे पहले अपन ने इसको देखा ऑल फंक्शन, याद रहेगा ऑल द फंक्शन पे. अब दूसरा ऑल द लेवल पर अप्लाई होता है, सारे लेवल पर. लेवल मतलब कौन से, मैनेजमेंट के लेवल, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ये सब पर अप्लाई होता है. क्लियर? अब देखिए टॉप लेवल क्या करता है, टॉप लेवल को कोऑर्डिनेशन का क्या काम है, टॉप लेवल क्या करेगा इसको. तो भाई टॉप लेवल जो है, टॉप लेवल अभी अपन ने डिस्कस किया कि टॉप लेवल का काम है कई सारी पॉलिसीज बनाना. ठीक है? अब पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे दोनों ही खुश हों, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो और इंडिविजुअल गोल भी अचीव हो. तो यहां पर एक अच्छा टॉप लेवल मैनेजमेंट उसे कहेंगे, एक अच्छे डायरेक्टर्स उसे कहेंगे जो कि इंडिविजुअल गोल और ग्रुप गोल को इंटीग्रेट करे, दोनों को कोऑर्डिनेट करे. समझ में आया? ग्रुप गोल और इंडिविजुअल गोल दोनों को क्या करे, इंटीग्रेट करे और दोनों को एक ही डायरेक्शन में चलाए, दोनों को एक ही डायरेक्शन में चलाए. क्लियर हुआ? तो दैट इज कॉल्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन. तो एक बार पढ़ते हैं, देखिए दैट इज टॉप लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन काय के लिए, टू इंटीग्रेट करने के लिए, सॉरी टू इंटीग्रेट के लिए, इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सारी एक्टिविटीज जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चल रही हैं उनको यही इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज एंड लीड टू एफर्ट द इंडिविजुअल ऑन द वन कॉमन डायरेक्शन. तो सारे इंडिविजुअल को एक कॉमन डायरेक्शन में लेकर आना चाहिए. क्लियर? समझ में आया पहला वाला कि भाई ये जो कोऑर्डिनेशन है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है क्योंकि हमें सारे के सारे एक्टिविटीज़ को, रिसोर्सेज को क्या करने पड़ते हैं, इंटीग्रेट करने पड़ते हैं. और वो सारे रिसोर्स को इंटीग्रेट करने का काम एक्चुअल में करेगा कौन, तो वो करेगा कौन, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा. क्लियर? अब सेकंड वाले पे चलते हैं, दैट इज मिडिल लेवल पर. अभी तक तो टॉप लेवल था, अब आते हैं हम, तो इनको बिल्कुल आप जो है कौन कौन को अपन कर रहे हैं, तो इनको ये अंडरलाइन करना किन किन के बारे में लिखना है. एक पॉइंट मिडिल लेवल और एक पॉइंट लोअर लेवल के बारे में, है ना. तो तीन पॉइंट, ऊपर वाले में पांच पॉइंट आए थे क्योंकि पांच फंक्शन थे, लेवल तीन है इसलिए यहां पर तीन पॉइंट आएंगे. ठीक है? तो टॉप लेवल का हमने देखा कि इंटीग्रेट करना है. अब मिडिल लेवल में क्या दिक्कत है भाई? अब देखिए मिडिल लेवल में क्या आता है, जनरली डिपार्टमेंट में बढ़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन मिडिल लेवल पे. जैसे आपने प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देख रहा है, सेल मैनेजर सेल डिपार्टमेंट को देख रहा है, परचेस मैनेजर परचेस डिपार्टमेंट को देख रहा है, स्टोर मैनेजर स्टोर डिपार्टमेंट को देख रहा है. तो दैट इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये अलग अलग पार्ट है जो अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट हैं जो अलग अलग एक्टिविटी जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं. अब ये जो अलग अलग पार्ट हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इनमें आपस में क्या होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ये यदि आप ग्रुप गोल को अचीव करना चाहते हैं. तो यदि आप ग्रुप गोल को अचीव करना चाहते हैं तो इनमें आपस में एक कोऑर्डिनेशन होना अनिवार्य है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. क्लियर हुआ? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट इज सेकेंड लेवल पे द कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल पे चाहिए है, एंड द बैलेंस टू बैलेंस द एक्टिविटी
ऐसी एक्टिविटीज जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट कर रहे हैं उनको बैलेंस करने के लिए, एज दीज दीज कैन वर्क एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनली. तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, इट इज जस्ट अ पार्ट, और इनको इंटीग्रेट करना, इन एक्टिविटीज को बैलेंस करना जरूरी है. क्लियर? अब आते हैं लोअर मैनेजमेंट की तरफ, हम बढ़ते हैं लोअर मैनेजमेंट. तो लोअर मैनेजमेंट में जनरली अब वर्कर की बात कर रहे हैं. लोअर मैनेजमेंट अभी तक इसमें मिडिल लेवल में मैनेजर्स वगैरह आते हैं, अब लोअर में सुपरवाइजर और उससे नीचे वर्कर्स आते हैं. तो वर्कर भी अलग अलग काम कर रहे हैं, है ना. असल में एक्चुअल में जो आउटपुट बनता है वो कौन आउटपुट बनाता है, एक्चुअल में वो बनाता है वर्कर. ठीक है, और वो वर्कर बनाता है तो वो जो वर्कर है, है ना, तो वो जो वर्कर है उसके काम को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. उन वर्कर को भी आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. जैसे मान के चलिए गाड़ी है, तो गाड़ी बनाने के लिए कोई एक वर्कर है जिसका काम है कि वो इंजन पे काम कर रहा है, इंजन बना रहा है, मतलब इंजन के ऊपर बैठ के काम नहीं कर रहा है, इंजन बना रहा है, काम कर रहा है इंजन. ठीक है, एक है जो हॉर्न बना रहा है, एक है जो टायर बना रहा है, एक मतलब ऐसे वर्कर्स, देयर इज अ डिफरेंट पार्ट एंड द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स. और अब हमें इन सब कामों को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो देखिए, मैनेजर अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट के, उनके काम को इंटीग्रेट करना, वर्कर्स के, यहाँ लोअर लेवल पे वर्कर है वो, तो वर्कर के काम को इंटीग्रेट करना. तो लोअर लेवल रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर टूवर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट. तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए. क्लियर? तो देखिए पहला क्या था भाई, बिल्कुल सिंपल है, पांचों पी ओ एस डी सी. पी को लेके एक लाइन, ओ को लेके एक लाइन, एस को लेके एक लाइन, डी को लेके एक लाइन, सी को लेके एक लाइन. यहाँ पर तीन है, टॉप लेवल को लेके एक लाइन लिखना है, मिडिल लेवल को लेके और लोअर लेवल को, है ना. टॉप लेवल में सारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज, मिडिल लेवल में डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज, और लोअर लेवल में वर्कर्स की एक्टिविटी को इंटीग्रेट करना. क्लियर? अब आते हैं भाई थर्ड फंक्शन पे. क्या पढ़ रहे हैं अपन ये, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बोलो बोलो. एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन एंड व्हाई इट इज एन एसेंस, एसेंस क्यों है ये हम पढ़ रहे हैं. कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यस, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. ठीक है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स, मतलब क्यों ये इतना ज़रूरी है, वो अपन एक एक पॉइंट पढ़ते हैं और समझते हैं. देखिए, एनी कंपनी विच हैव नो कोऑर्डिनेशन ऑफ इट्स एक्टिविटी कैन नॉट सर्वाइव और रन. तो कोई भी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो सर्वाइव भी नहीं कर सकती और चल भी नहीं सकती, लॉन्ग पीरियड तक वो बंद हो जाएगी. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड. देखिए, कोऑर्डिनेशन मतलब एक सामंजस्य, एक दूसरे को समझते हुए काम करना, ये बहुत जरूरी होता है. इवन इट इज ऑर्गेनाइजेशन और इवन इट इज फैमिली. ठीक है, आप देख रहे हैं फैमिली में भी कोऑर्डिनेशन से ही काम होता है. कई बार कुछ फैमिलीज में जब कोऑर्डिनेशन नहीं हो जाता तो क्राइसिस आ जाता, क्राइसिस आ जाते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं लोग. तो ये किस चीज़ की कमी है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की कमी. याद रखिए, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से चीज़ें बिखर जाती हैं, जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाता. यही एग्जांपल, जैसे मैं केस स्टडी, ये एग्जांपल से मुझे केस स्टडी की याद आती है. कई बार केस स्टडी ऐसी भी पूछी जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कोई दो मैनेजर का व्यू नहीं मिल रहा है. करेक्ट, एक मैनेजर कुछ अलग बोल रहा है, दूसरा मैनेजर कुछ अलग बोल रहा है. एक मैनेजर बोल रहा है कि भाई, फॉर एग्जांपल के लिए सेल मैनेजर बोल रहा है कि हमें सेल ज़्यादा करना है तो डिस्काउंट देना पड़ेगा. फाइनेंस मैनेजर बोल रहा है कि नहीं भैया, डिस्काउंट दिया तो नुकसान हो जाएगा. तो दो मैनेजर के हेड में आपस में क्राइसिस आ रहा है, देयर इज़ अ नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. जैसे हम देखते हैं घर में क्राइसिस है, इसका मतलब एक दूसरे को समझा नहीं जा रहा, एक दूसरे की जो दिक्कतें हैं उनको समझ नहीं पा रहे हैं तो क्राइसिस आते हैं. सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही होता है. ऑर्गेनाइजेशन में भी जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स को समझना बंद कर देता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स की नहीं सुनता,
तब यहां पर क्राइसिस। तो केस स्टडी भी ऐसे ही आती है, इस ये जो कंसेप्ट है कोऑर्डिनेशन, एक्चुअल में केस स्टडी भी इसी पे बेस्ड आती है कि भाई जब एक डिपार्टमेंट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखना अभी आप अपन केस स्टडी आगे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को इग्नोर कर रहा है, उसकी सुन नहीं रहा, दोनों में लड़ाई हो रही है, दोनों मैनेजर आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो याद रखिए भाई, इस तरह के यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको समझ जाना है कि इनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो एस द पहला देखिए कि भाई एक्टिविटीज कैन नॉट बी सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली। तो जहां कोऑर्डिनेशन नहीं है वो एक्टिविटीज जो है वो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता और वो सक्सेसफुली लॉन्ग रन तक प्रॉफिट नहीं कमा सकता। फिर दूसरा देखिए, इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट मैनेजर इंश्योर ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट इन रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट मैनेजर इंश्योर ऑर्डरली अरेंजमेंट। मैनेजर ये इंश्योर कर रहा है, करेक्ट, मैनेजर क्या कर रहा है भाई, इंश्योर कर रहा है एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है, ऑर्डरली अरेंजमेंट बन रहा है। ऑर्डरली अरेंजमेंट मतलब समझ रहे ना, ऑर्डरली अरेंजमेंट का मतलब होता है कि भाई ऑर्डरली अरेंजमेंट का मतलब होता है कि एक एक्टिविटी के बाद फ्लो में दूसरी एक्टिविटी होना, फ्लो में तीसरी एक्टिविटी होना। तो अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो ऑटोमेटिकली एक ऑर्डरली अरेंजमेंट बनता है, ठीक है, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट यहाँ पर बनता है। ग्रुप एफर्ट इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, एंड डिफरेंट एक्शन वेरियस यूनिट और डिपार्टमेंट्स जो है इन्वॉल्व है। कोऑर्डिनेशन मेक श्योर दैट प्लान ऑब्जेक्ट आर अचीव विद द मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट नहीं, मैंने आपको बताया ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना ही मतलब है कि कोऑर्डिनेशन है, और कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो रहा है मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है, करेक्ट। लड़ाई ज्यादा हो रही है तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, और कोऑर्डिनेशन है तो लड़ाई नहीं होगी, करेक्ट। क्लियर हुआ, अगर एक दूसरे की फीलिंग्स को समझा जा रहा है, अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो फिर क्राइसिस के कोई चांसेस नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट के कोई चांस नहीं है, ठीक। अब देखिए विच, अभी क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, विच आस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट बाइंड ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे कौन सा आस्पेक्ट है, या उसको कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, तो ऐसा कौन सा आस्पेक्ट है जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शन को आपस में बाइंड करता है, या डिपार्टमेंट को बाइंड करता है, या एक्टिविटी को बाइंड करता है, या रिसोर्सेस को बाइंड करता है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो सबको आपस में बांधता है, जो सबको आपस में एक होने पे मजबूर करता है, और वो है कोऑर्डिनेशन, करेक्ट। दैट इज कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन, क्योंकि बार बार वर्ड सुन रहे हैं ना अपन, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट मतलब बाइंड करना, एक दूसरे से बाइंड करना, इंटीग्रेट करना, क्लियर। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन इज द आंसर। Coordination is the answer. ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी दो कंसेप्ट हमने पढ़े। सबसे पहले अपन ने देखा what is the meaning of coordination, बिल्कुल सिंपल है, और उसके बाद हमने देखा coordination essence of management है, और essence of management coordination क्यों है वो भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं nature और importance। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं what is the feature and nature of coordination, करेक्ट। तो उसके नेचर क्या है या फीचर्स क्या है कोऑर्डिनेशन के, दोनों एक ही बात है, नेचर या फीचर। सबसे पहले भाई कोऑर्डिनेशन का पहला फीचर है, कोऑर्डिनेशन सबको बाइंड करता है, इंटीग्रेट करता है। तो देखिए लिखा हुआ है, पहला फीचर है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द इंडिविजुअल एफर्ट। कोऑर्डिनेशन इंडिविजुअल एफर्ट को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन अप्लाई ही वहां होता है जहां ग्रुप हो, जहां एक से ज्यादा व्यक्ति हो, वहीं कोऑर्डिनेशन होता है। पर जहां, जैसे हमने देखा बैट्समैन भी दो हैं तो आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन बन रहा है, क्लियर। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी कई सारे वर्कर्स हैं तो अच्छा कोऑर्डिनेशन है,
स्कूल में भी कई सारे स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, मैनेजमेंट हैं, उनका अच्छा आपस में कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन के लिए पीपल्स का होना जरूरी है, ग्रुप एफर्ट है एक्चुअल में। कोऑर्डिनेशन एक व्यक्ति अपने आप में कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता। जैसे प्रोप्राइटर है, तो प्रोप्राइटर अपने आप में कोऑर्डिनेशन नहीं, वो तो अकेला मालिक है, उसको जो करना है खुद करना है, जो तो वो किससे कोऑर्डिनेट करेगा, वो तो खुद ही एक्टिविटी कर रहा है। तो यहाँ पर ये ग्रुप एफर्ट है, मतलब कोऑर्डिनेशन तभी हो पाएगा जब ग्रुप है। अगर ग्रुप नहीं है तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। इंडिविजुअल पर्सन कैन नॉट बी कोऑर्डिनेटेड, एक बंदा कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, उसके लिए एक से ज्यादा होने ज्यादा बंदों का होना जरूरी है, करेक्ट। तो द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ऑलवेज अप्लाई टू द ग्रुप एफर्ट, ग्रुप के ऊपर अप्लाई होंगे, ग्रुप एफर्ट के ऊपर। देयर इज नो नीड टू कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग, नो नीड। अगर इंडिविजुअल काम कर रहा है, एक व्यक्ति काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही नहीं है ना भाई, कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन तो दो लोगों में होता है, दो से ज्यादा लोगों में होता है। एक बंदा काम कर रहा है तो देयर इज नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्लियर। सिमिलरली द नीड फॉर orderliness, integration arises only when more individual are working at a different individual comes from the different background. तो कई सारे working different individual comes from the different background and have different style of working, उनकी अलग अलग style है। So there is a need to unify their effort in a common direction. तो जरूरत है कि वो क्या करें, unify हो और common direction में वो आए। कोऑर्डिनेशन हमेशा याद रखिए ग्रुप पे अप्लाई होता है, इंडिविजुअल व्यक्ति का कोऑर्डिनेशन नहीं होता। और ग्रुप पे कैसे, तो हर एक व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है, तो उसको क्या करना, अपने को डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, उसका डिफरेंट बिहेव होता है, डिफरेंट नेचर होता है, तो उनको आपस में इंटीग्रेट करना ताकि वो एक कॉमन गोल को पा सके, उनको एक दिशा में बढ़ाना, क्लियर हुआ। तो यही है कोऑर्डिनेशन। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है, इनका भी अपना इंपॉर्टेंस है, याद रखिए कि भाई डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट स्टाइल, अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग स्टाइल होती है काम करने की, और कोऑर्डिनेशन क्या करता है, यूनिफाई देयर एफर्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन। उनके अलग अलग कामों को, अलग अलग बिहेवियर से किए गए अलग अलग कामों को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और वो सेम डायरेक्शन में वर्क करता है। That is called integrate the group effort. उसी को हम क्या कहेंगे, integrate the group effort कहेंगे। Clear हुआ, समझ में आया। Now coordination integrate the group effort. अब आते हैं ensure the unity of effort. Ensure the unity. Unity है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अब यहां पर देखिए सिंपल सी चीज है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से वो आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है उनका काम करने का, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और यदि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही दिक्कत में आ जाएगा, वो डैमेज हो सकता है, क्लियर। तो यदि कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो कॉन्फ्लिक्ट के चांस बड़े ही कम हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन का एक और फीचर है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन है तो ये इस बात की श्योरिटी है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ये इस बात की श्योरिटी है कि यूनिटी ऑफ एफर्ट होगा, क्लियर हुआ। तो कोऑर्डिनेशन एक और चीज को हमें बताता है कि यदि कोऑर्डिनेशन बोलता है कि यदि मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में हूं तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सभी हमारे एम्प्लॉय जो हैं बड़े ही प्रेम और बड़े ही सरलता से ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन ये बता रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्लियर। तो एक बार पढ़ लेते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑलवेज एम्फेसिस ऑन द यूनिफाइंग द एफर्ट। तो ये जो है यूनिफाई कर रहा है एफर्ट को, है ना, एक ही उसमें डिफरेंट इंडिविजुअल, बिकॉज
causes damage to the organization, यदि conflict होता है तो organization का बाजा बच जाएगा, organization damage हो जाएगा. So the main aim of every manager is to coordinate the activity. जब main aim है coordinate the activity of the different individual as a common goal. हर एक manager की ये responsibility है कि वो क्या करे, सारे common सारे goals को एक साथ लेकर आए. अब ये अगला देखिए, अगला पॉइंट ये होना चाहिए, इंश्योर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ये तो पॉइंट है, अब ये नहीं आया तो यहाँ अपन जो है काम करते हैं 2.1 इसको दे देते हैं 2.1, और ये भी अपने आप में एक पॉइंट है बेटा, है ना, अलग से अपन ने उसको नहीं दिया है, पर ठीक है. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन याद रखिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, अब इसका मतलब यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में यदि क्या है, कोऑर्डिनेशन है, तो इसका मतलब आप सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट को आप सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, उन डिपार्टमेंट को आप एक डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं. क्लियर हुआ? तो ये भी यहाँ पर आएगा कि कोऑर्डिनेशन इंश्योर ऑल द डिपार्टमेंट वर्क हार्ड एंड क्रिएट द बैलेंस इन ऑल द डिपार्टमेंट एंड बाइंडिंग फोर्स ऑन ऑल द डिपार्टमेंट. उसके बाद ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. एक और चीज है, कोऑर्डिनेशन इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस. एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे के साथ लंबे सफर तक चलना, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है. जैसे हम देख रहे हैं कि फैमिली में कैसे हम एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे को जो है एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए एक लंबी टाइम की जर्नी को हम तय कर रहे हैं. जैसे आप देखेंगे कि भाई मम्मी पापा हैं तो वो दूसरे को समझते हुए कब से जो है एक लॉन्ग जर्नी जो है वो तय कर रहे हैं और आगे भी करें. तो ये क्या है, ये कंटिन्यूस फंक्शन. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है कि भाई ये कभी ख़त्म नहीं होगा. देखिए, काम कभी ख़त्म नहीं होता, और काम यदि करना है, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है, हर एक डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती जाएगी, सेलिंग होती जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग होती जाएगी, सेलिंग होती जाएगी, तो ये सब होता जाएगा. तो इसमें एक दूसरे को कोऑर्डिनेट हम करते जाएंगे, एक दूसरे से बिना कोऑर्डिनेशन के काम नहीं, तो ना काम खत्म होने वाला है और ना ही एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन. तो इसलिए कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन इज द नॉन एंडिंग, कभी खत्म ना होने वाली फंक्शन है. इट इज अ कंटिन्यूअस, इट इज अ डिग्री में वेरी, समटाइम कोऑर्डिनेशन ज्यादा होगा, समटाइम कोऑर्डिनेशन कम होगा. करेक्ट? ऐसे फैमिली में भी देखते हैं ना, कुछ समय कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, है ना. कोई ऐसी मूवी देख लेते हैं तो ऐसे मतलब तो हम हमारी भावनाएं बढ़ जाती हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, कभी कभी गुस्से में कोऑर्डिनेशन. तो ये अलग अलग है, कोऑर्डिनेशन वेरी हो सकता है. तो मैनेजर वर्क कंटिन्यूसली टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन, बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनी कैन नॉट बी फंक्शन एफिशिएंटली. क्लियर? कोऑर्डिनेशन के कंपनी फंक्शन नहीं कर सकती. क्लियर? अब उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं. ये हो गया हमारा कंटिन्यूस फंक्शन हो गया. अब आते हैं, दैट इज द परवेसिव फंक्शन. परवेसिव, परवेसिव मतलब समझ रहे हैं आप, परवेसिव का मतलब क्या है, भाई सारे जहां में ये फंक्शन आए. मतलब आप कोऑर्डिनेशन को सभी जगह, भले ही वो जो है स्कूल हो, भले ही वो क्लब हो, भले ही वो बिजनेस हो, भले ही वो नॉन बिजनेस हो, भले ही वो प्रॉफिट मोटिव हो, नॉन प्रॉफिट मोटिव हो, कोई एनजीओ, कुछ भी हो, घर हो, जिस तरह मैनेजमेंट परवेसिव है, उसी तरह मैनेजमेंट का एसेंस कोऑर्डिनेशन भी सब जगह पर रहेगा. मैनेजमेंट का एसेंस कोऑर्डिनेशन भी सब जगह पर रहेगा. क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन इज द यूनिवर्सल फंक्शन. कोऑर्डिनेशन क्या है, एक यूनिवर्सल फंक्शन है. इट रिक्वायर एट ऑल द लेवल, ये सारे लेवल पर रिक्वायर्ड है, ऑल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट में, ऑल द फंक्शंस पर, ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वेरियस एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है. इट अप्लाई ऑल द लेवल, है ना, आपने देखा था ना एसेंस क्यों है, तो एसेंस में सबसे पहले ऑल द फंक्शन पे आया, पांचों फंक्शन पे बताया, फिर ऑल द लेवल, तीनों लेवल पे.
सारे फंक्शन पे, सारे लेवल पे, सारे डिपार्टमेंट्स पर ये क्या है, अप्लाई होता है, क्योंकि वो इंटरडिपेंड हैं एक दूसरे पर। वो इंडिविजुअली काम जरूर कर रहे हैं बट दे आर इंटरडिपेंडेंट। जैसे प्रोडक्शन नहीं होगा यदि परचेज नहीं हुआ तो, सो दैट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज डिपेंड अपॉन द परचेज डिपार्टमेंट। क्लियर हुआ? इस तरह से दे आर कनेक्टेड। फिर फिफ्थ नंबर का है, फिफ्थ नंबर पे आ गए हम। तो देखिए एक बार फोर चारों के नाम अपन रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट, ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करना। सेकंड नंबर पे इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट, यूनिटी ऑफ एफर्ट को इंश्योर करना। थर्ड नंबर पे इंश्योर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन को। कंटिन्यूस फंक्शन हो गया और कोऑर्डिनेशन इज एन परवेसिव फंक्शन। उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन बनाना किसकी जिम्मेदारी है, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना किसकी जिम्मेदारी है, तो ये जिम्मेदारी आती है मैनेजर की। डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट मैनेजर है। जैसे आपने देखा टॉप लेवल पर जनरल मैनेजर होता है, सिमिलरली और नीचे जाएं तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, डिपार्टमेंट के हेड। जो डिपार्टमेंट देखिए टॉप लेवल की एक्टिविटीज़ को वहाँ का मैनेजर जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, वहाँ का मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। वहीं मिडिल लेवल पर अपने अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर उसकी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर उसकी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह लोअर मैनेजमेंट में भी वर्कर्स आर कोऑर्डिनेटेड देयर एक्टिविटीज़, क्योंकि लोअर में सुपरवाइजर वर्कर्स होते हैं, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्टिविटीज़। तो देखिए लिखा हुआ है कि भाई कोऑर्डिनेशन इज नॉट द टास्क ओनली द टॉप मैनेजमेंट मैनेजर बट द मैनेजर वर्किंग एट अ डिफरेंट लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटी। जैसे टॉप मैनेजमेंट टॉप लेवल क्या करता है, ओवरऑल प्लान को कोऑर्डिनेट करता है। मिडिल लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द डिपार्टमेंटल एक्टिविटी, डिपार्टमेंटल एक्टिविटी को करता है, और लोअर लेवल जो है वो एक्टिविटी ऑफ वर्कर्स को करता है। करेक्ट? तो याद रखिए यहां पर टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या कोऑर्डिनेट करता है, तो प्लान एंड पॉलिसी। मिडिल लेवल क्या कोऑर्डिनेट करता है, तो डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को, और लोअर लेवल क्या, तो एक्टिविटी ऑफ वर्कर्स को ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता। क्लियर? तो अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, पहुंच गए हम चलते चलते लास्ट पॉइंट। तो कोऑर्डिनेशन इज एन डेलिब्रेट, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेलिब्रेट एक्टिविटी। करेक्ट? डेलिब्रेट एक्टिविटीज क्यों होती है या इसे क्यों डेलिब्रेट एक्टिविटी कहा गया है। देखिए डेलिब्रेट एक्टिविटीज सिमिलरली डेलिब्रेट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन का एक और फंक्शन है कि भाई लोगों की दुविधाओं को, कन्फ्यूजन्स को करेक्ट दूर करना, डाउट्स को दूर करना, कोऑर्डिनेट करना। जैसे मान के चलिए कि भाई कोई स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है ये लेक्चर में, तो वो क्या करता है, मुझे कॉल करता है। कॉल आते हैं मुझे बच्चों के, है ना, आप नहीं करते वो अलग बात है, कुछ बच्चे करते हैं जो पढ़ते हैं। नहीं, आप सब पढ़ रहे हैं, कन्फ्यूजन हो तो कॉल करिए। तो भाई बच्चों के कॉल आते हैं, तो ये क्या किया, इन द केस ऑफ कन्फ्यूजन, इन द केस ऑफ डाउट जॉज, इस केस में उन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेशन किया उन्होंने, और कोऑर्डिनेट करके अपने अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लिया, है ना। ठीक वैसे ही जब मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है अपने सुपरवाइजर से, वर्कर से, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उनके उनके पास यदि कोई क्वेश्चन है, उनको कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो क्लियर हो जाते हैं, वो अवॉइड हो जाते हैं। देखिए क्या होता है कि कई बार कोई व्यक्ति जो है वो इसलिए, यानी कॉन्फ्लिक्ट क्यों आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन मतलब चीज़ों को बता ही नहीं पाता व्यक्ति, है ना, चीज़ों को कई बार छुपा लेते हैं, या हम मनी मन में सोच रहे हैं मगर हम सामने वाले से उसको क्लैरिफाई नहीं कर रहे, हम क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, हम उससे कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे, तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट। तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में कि यदि कोई प्रॉब्लम आती है
वर्कर्स को, सुपरवाइजर को, तो उनसे कोऑर्डिनेट करें और उनसे पूछे कि भैया आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, आपको कोई दिक्कत आ रही है काम करने में। उनके कंफ्यूजन को हटाएं, उनके क्वेश्चन को सॉल्व करें, उनके डाउट को क्लियर करें। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है जो मैनेजर को करना ही चाहिए ताकि उनके बीच में कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और कंफ्यूजन नहीं होगा तो दे इंटीग्रेट इफेक्टिवली सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन बी अचीव। क्लियर हुआ? तो देखिए लिखा हुआ है, एवरी मैनेजर ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और क्यों? टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड चोज, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। विदाउट कोऑर्डिनेशन एफर्ट द इंडिविजुअल कैन नॉट बी यूनाइटेड, बिना कोऑर्डिनेशन के इंडिविजुअल कैन नॉट बी यूनाइटेड। सो दैट्स व्हाई परफॉर्मिंग द वेरियस एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर डेलिब्रेटली परफॉर्म कोऑर्डिनेट फंक्शन। तो मैनेजर ने कोऑर्डिनेट फंक्शन को डेलिब्रेटली परफॉर्म करना ही चाहिए। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, जरा अपन एक बार उसको देखते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन इज एन सिंक्रोनाइज द एफर्ट सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। क्लियर? नंबर वन। नंबर टू, ब्रिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज एंड ऑल द रिसोर्सेज एंड ब्रिंग देम इनटू हार्मोनी सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन बी अचीव। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस, करेक्ट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। और क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट परफॉर्म एट द ऑल द फंक्शंस, ऑल द लेवल, और इट इज एन इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकता सक्सेसफुली ऑर्डरली अरेंजमेंट के लिए, सिंक्रोनाइजेशन के लिए। क्लियर? और उसके बाद फिर भाई कोऑर्डिनेशन कौन कौन से नेचर है? तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट। नंबर वन, कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है। इंश्योर द यूनिटी ऑफ एफर्ट, यूनिटी ऑफ एफर्ट को इंश्योर करता है। इंश्योर द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को भी। और कंटिन्यूस फंक्शन है, कोऑर्डिनेट इज एन परवेसिव फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल ऑल द मैनेजर, और कोऑर्डिनेशन इज एन डेलिब्रेट फंक्शन। क्लियर? तो यहां तक हमने अभी पढ़ लिया है। उसके बाद फिर इम्पॉर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि देखिए क्या होता है, हर एक चीज़ को डिटेल्ड में डिस्कशन हम करते हैं, आपको पता है, एक एक चीज़ को, उससे कई प्रैक्टिकल चीज़ें भी जोड़ते हैं, तो इट रिक्वायर टाइम। ठीक है, आज अपना ये जो लेक्चर है अपन यहीं पर ऑफ करते हैं। और ठीक है, ख्याल रखिए अपना और अपनों का। बाय बाय, टेक केयर, है ना? ठीक है, ओके।